नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बाराबंकी से। बैंक ऑफ इंडिया शाखा जीएनपुर की इस शाखा में आसपास के सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं। बैंक में रोजाना हजारों ग्राहक लेन देन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बैंक में सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती है। कर्मचारियों की लापरवाही कहें या मनमानी, क्षेत्र के संभ्रांत व पुराने खाता धारकों में बैंक की कार्यशैली को लेकर कड़ा रोष है। हद तो तब हो गई जब बड़े खातेदारों ने इसमें खाता निरस्त कराने तक की सोच डाली। बैंक कर्मचारियों की मनमानी के आगे बेचारे किसान, व्यापारी व आम आदमी खुद के पैसे का सही समय भुगतान न हो पाने के कारण बैंक ऑफ इंडिया पर आस्था टूटती जा रही है। बैंक की साख पर भी एक दाग लग रहा। बैंक में आए वृद्धों को बैंक में इज्जत से बिठाना तो दूर, पेयजल भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वृद्धों, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लोगों को जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन को निकालने के लिए लोगों की खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बैंक आई थी पैसा निकालने के लिए? बोलो, क्या कह रहे थे ये? लाइन में लगो, अब हम भैया कर कमर के मारे खड़े हो गए, नहीं पाए थे उठे। अच्छा, बुढ़ापा भाई, अब हमारे सब कोई ले, सब लोग पाँच लोग रहे, सब लोग चलेगा, हमारे ससुर आदमी पाँच जने रहे, सब जन हम अकेले बच्ची दगाना कठाना सब जनेगा हम रहेंगे अकेले, भाई भगवान उनका नहीं कठो हो। आपको बता दें, सबसे ज्यादा दिक्कत बिना पढ़े लिखे लोगों को उठानी पड़ रही है। तमाम भाग दौड़ करने के बाद भी कार्य न होने से लोगों को आए दिन बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। असंद्रा थाना क्षेत्र के शेषपुर जाहिद अली की बीमार महिला, उम्र लगभग 90 वर्ष, इलाज के लिए पेंशन निकालने के लिए बैंक आई थी। उस बीमार बुजुर्ग महिला को बैंक की लाइन में लगाया गया और कहा गया कि ज्यादा दिक्कत है तो अपना खाता हमारी शाखा से बंद करवा दो। बाराबंकी संवाददाता मोहम्मद जुबेर की रिपोर्ट।